उदयपुर जिले के कानोड शहर में लंबे समय से चल रहे सट्टा कारोबार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो डोपर दबिश दी। पुलिस ने चार जनों को पकड़ा है, जबकि इस कारोबार का मुख्य सरगना पार्षद पति मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए सट्टा कारोबार के एक अड्डे से तीन जनों को जबकि दूसरे अड्डे से एक व्यक्ति को मौके से ही गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी कांग्रेस समर्थित पार्षद पति अल्ताफ बागवान मौके से फरार हो गया। CI 23 संधू ने बताया कि बीएड कॉलेज के पीछे वाली गली श्रीनाथ कॉलोनी में चल रहे सट्टा कारोबार पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने कार्रवाई की। गजेंद्र सिंह चौहान, हेमंत मेघवाल, फारूक अशफाक को 5 मोबाइल फ़ोन, 61,000 रुपये की सट्टे की पर्चियां और 520 रुपये की नकदी के साथ गिरफ्तार किया, तो दूसरे अड्डे पर अनिल सिंह चौहान को 300 रुपये और सट्टे की पर्चियों के साथ हिरासत में लिया है। श्रीनाथ कॉलोनी में सट्टे खाई वाली की सूचना मिली थी, जिस पर मैं जाबता के पहुँचे तो वहाँ पर तीन लड़के जो सट्टे खाई वाली कर रहे थे पकड़ में आए। एक मुख्य जो सरगना था अल्ताफ हुसैन, वो अल्ताफ बागवान, वो मौके से पीछे खेत थे उनमें भाग गया, वो भागने में कामयाब हो गया। और तीन व्यक्ति जिनके नाम फारूक, दूसरा गजेंद्र सिंह, तीसरा है, उन्होंने गिरफ्तार किया है। सट्टे की पर्चियां और इनके पास मोबाइल बरामद हुए हैं, 500 रुपये बरामद हुए हैं। इनसे पूछने पर बताया कि अल्ताफ हुसैन, अल्ताफ बागवान, वो सट्टे की जो रकम है वो लेकर भाग गया है।